हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सीपीसीएल रिक्रूटमेंट 2020 की। यहाँ पे सीपीसीएल की तरफ से अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें कि 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो यहाँ पे जो वैकेंसी जो है वो ट्रेड आप देख सकते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी निकाली गई, अकाउंटेंट के लिए निकाली गई, टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपसे नहीं ली जाएगी अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको बताने वाली हूँ कि आपको इसमें स्टाइपेंड मिलेगा और कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन कौन सी ट्रेड जो है वो निकाली गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी की है इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो फीटर के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी निकाली गई है, वेल्डर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, एमवी के लिए, मशीनिस्ट के लिए, टर्नर के लिए और मैकेनिक के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको अपना ट्रेड चेक कर लेना है, जितने भी ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5 स्लॉट्स निकाली गई है, और इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी ट्रेड दी गई है आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्यूटर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है, 10th अगर आपने किया हुआ है, और आईटीआई जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे उस ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर और मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 10th पास आपसे मांगा है, साथ ही में आपसे आईटीआई की योग्यता मांगी है इन रिलेवेंट फील्ड। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपसे बीएससी मांगा है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और या फिर अगर आपने बायो से किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए यहाँ पे आपसे बीएससी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायो। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे आपसे बीकॉम मांगा गया, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बैंक ऑफिसर अप्रेंटिस के लिए आपसे यहाँ पे एनी ग्रेजुएशन मांगा गया है नॉन इंजीनियरिंग में, यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग कोई डिग्री की हुई है तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा, एनी ग्रेजुएशन चलेगा लेकिन नॉन इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे आपसे एमबीए मांगा है, 2 ईयर का यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पे आपसे एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए एमबीए आपसे मांगा है, MSW या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए डिप्लोमा इन 2 ईयर, यहाँ पे फील्ड आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर साइंस के लिए MCA मांगा है, 3 ईयर का फुल टाइम कोर्स आपका होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे CA, ICWA, MFC या फिर MBA आपने किया हुआ है फाइनेंस या अकाउंट से तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद यहाँ पे बात करें ऑफिसर असिस्टेंट के लिए, तो ऑफिसर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 12th पास की योग्यता आपसे मांगी गई है एंड स्किल सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव के लिए बात करें, तो यहाँ पे आपसे 12th पास की योग्यता मांगी है एंड आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ वेयर एग्जीक्यूटिव। उसके बाद स्टोर कीपर के लिए बात करें, तो स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे आपसे 12th पास की योग्यता मांगी गई है, साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बात करें तो यहाँ पे आपसे 12th पास की योग्यता मांगी गई है। तो स्टोर कीपर के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिंपली आपसे 12th पास मांगा गया है, अगर आपने 12th करा हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपसे आईटीआई की योग्यता नहीं मांगी गई है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप 12th पास हो तो अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। और नेक्स्ट यहाँ पे आप स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए देख सकते हो, यानी कि यहाँ पे आपको जैसे कि दिया गया है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए ये वैकेंसी है, जो कि वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव के लिए है, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है वो आपको दिया गया है। और यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप फ्रेशर्स अप्रेंटिस देख सकते हो, तो इसके बारे में भी यहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पे आपकी जो है वो 18 से 24 साल तक दी गई है। मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल रखी गई, मैक्सिमम एज 24 साल रखी गई है। एज आपका काउंट किया जाएगा 1/10/2020 तक,
और इसके अलावा जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन कौन से कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कितनी एज में लिमिट रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइपेंड की बात कर ले तो स्टाइपेंड आप देख सकते हो फॉर ट्रेड कोड 1-12 के लिए, यानी कि जो ट्रेड कोड आपको मेंशन किया गया था नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया गया है। आप चेक कर लेना, ट्रेड 1-12 के लिए 8,050 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलने वाली है, और ट्रेड 13-20 के लिए 9,000 पर मंथ यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और ट्रेड 21 से लेके 22 तक के लिए यहाँ पे 7,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड 23 और 24 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 3,500 यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा फॉर फर्स्ट 3 मंथ एंड 7,000 यहाँ पे मिलेगा फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। उसके बाद यहाँ पे बात के पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप की, तो पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप में आपको लिखा गया है कि 1 ईयर का यहाँ पे आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, 12 मंथ का यहाँ पे आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो रहने वाला है। और यहाँ पे साथ ही में आपको बताया गया है कि कोड ट्रेड कोड 23 और 24 के लिए जो पीरियड रहेगा वो 15 मंथ का रहेगा, यानी कि 15 महीनों तक यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, यानी कि पहले के 3 मंथ में आपको 3,500 यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और बाकी के जो महीने बचते हैं यानी कि 12 महीने आपको 7,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेड कोड 23 और 24 है उस पर आपको मिलेगा, और ट्रेनिंग पीरियड मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका किस तरीके से होने वाला है, सिलेक्शन यहाँ पे आपका किया जाएगा जो आपके ITI ट्रेड्स में डिग्री में जो मार्क्स है उसके परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो जो भी आपके 10th ITI या फिर डिग्री में मार्क्स है उसके जितने भी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो लगने वाली है, और यहाँ पे जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो जितने भी जानकारी यहाँ पे आपको मांगी जा रही है वो आपको फिल करते टाइम ज़रूरत पड़ने वाली है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो जो आप एप्लीकेशन फिल करोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें लगने वाली है। तो रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे रखा गया है। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको लिंक मेंशन किया गया है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, वहाँ से जाके आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई कब से कब तक आप कर पाओगे, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट रखी गई है वो 18/10/2020 रखी गई है, और लास्ट डेट यहाँ पे 1/11/2020 रखी गई है। उसके बाद बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपसे नहीं मांगेगी, ये सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें फ्री में आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई, कौन कौन सी ट्रेड इसमें निकाली गई, क्या आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, और किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर पाएँ, तो उन लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।